by HAL Chief Test Pilot Wing Commander Unni Pillai along with सेना के हाथों को मजबूत करने वाला एक और फैसला है। सेना के आधुनिकीकरण की तरफ एक और कदम बढ़ा भारत। HAL करेगी वायुसेना और सेना के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण। जहां एक तरफ भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की बात हो रही है तो दूसरी तरफ इस दिशा में काम भी हो रहा है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के घरेलू निर्माण के लिए शुरुआती क्लियरेंस मिल गई। जिससे भारत में ही इसके निर्माण का रास्ता साफ हो गया। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में ही डिजाइन और विकसित किए गए करीब 200 हेलीकॉप्टरों का निर्माण करेगी। HAL के MD आर माधवन ने कहा है कि HAL के जरिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह स्वनिर्भरता पर स्वदेशी कार्यक्रमों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशनल प्रभाव को बढ़ाता है। HAL समयबद्ध तरीके से अपने ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। HAL ने अपने एक बयान में कहा कि अब तक 3 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं। विभिन्न इलाकों, जलवायु परिस्थितियों जैसे ठंड के मौसम, गर्म मौसम, समुद्र स्तर और बेहद ऊंचाई के तहत 550 से अधिक उड़ानों को पूरा किया गया है। ये प्रयोग कड़े प्रमाणीकरण और उपयोगकर्ता की जरूरतों का अनुपालन करते हैं। अब इस हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। इस हेलीकॉप्टर की क्षमता और विश्वसनीयता कई तरह की परिस्थितियों में जांच के बाद तय हुई है। ये हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। गर्म और ऊंचाई वाले मौसम को लेकर किए गए परीक्षण के लिए इसने बेंगलुरु से उड़ान भरी। 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी इसने तय की। बिना किसी गड़बड़ी के 17 दिनों तक इसने लगातार उड़ान भरी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।